अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। बहुत ही अफसोस के साथ हम आज का अनकट ये पेश कर रहे हैं। सबको मालूम है, अखबार में आया है, चैनल्स पर आया है, सोशल मीडिया पर आया है। जैसा कि आप जानते हैं, टोली चौकी सेवन टॉम्स रोड पर मौजूद मशहूर स्कूल अजान स्कूल में कल एक बहुत ही घिनौना बदतरीन वाकया पेश आया है, जहां पर स्कूल के सुपरवाइजर जिलानी ने एक 4 साल माइनर लड़की का रेप कर दिया है। खैर, ये शैतानी हरकत की है, इस सुपरवाइजर ने इसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं। आपको मालूम कैसा चल रहा क्या है हैदराबाद में, फिर वही चला हमारे पास वही चे हर घर का हर रुपया माँ को वही तकलीफ हो रहा हमारे भी हो रहा वही तकलीफ। ओके, जब मासूम लड़की के पेरेंट्स को पता चला कि इसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई, तब पेरेंट्स पहुंचे स्कूल के मैनेजमेंट के पास। स्कूल के मैनेजमेंट ने इनके साथ ढंग से बात भी नहीं की, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ, आवाम भरम हो गई, तोड़फोड़, रैंसम, स्कूल आज क्या हालत हो गई, स्कूल बंद हो गया है। अब शायद स्कूल खुल ही नहीं सकता अजान के नाम से। कहाँ जा रहा है ज़माना, कितनी घिनौनी हरकत। हालांकि मुझे पता चला है डॉक्टर आजम साहब, शहर के मशहूर डॉक्टर, बहुत ही इंतहाई नेक शख्सियत, उनके बेटे डॉक्टर वासिफ आजम साहब, कार्डियोलॉजिस्ट, इंतहाई शरीफ शख्सियत, दोनों इस स्कूल के मालिक हैं। उनके स्कूल में इस तरह से हरकत होना बहुत ही अफसोस की बात है। पुलिस तहकीकात कर रही है, दूसरे भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज पेरेंट्स को एक इनसिक्योरिटी हो गई है अपने मासूम माइनर बच्चियों को स्कूल भेजे या नहीं, इस छिचोरी घिंडोरी अजान स्कूल की हरकत के बाद पेरेंट्स घबरा रहे हैं कि कोई भी स्कूल को भेजे या नहीं। ऐसे माहौल को दूर करने के लिए एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और वो कॉन्फिडेंस दिलाना पुलिस और हुकूमतों की जिम्मेदारी। मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।